स्टेडियम रोड, यस स्टेडियम रोड वो ये कहलाता है। मेरा घर एक लुसाने जौहर में, हिल टॉप बैंक किसने देखा है? यस सर। हिल टॉप बैंक के पीछे वाला जो एरिया है वो मेरे घर का लगता है। वहाँ से आर खान से जो मेरे घर का रास्ता है वो कितना है तकरीबन 10 मिनट का हार्डली, अगर ट्रैफिक जैम ना। सो मैं नॉर्मली करीम यूज़ करता हूँ, ये रिक्शा यूज़ करता हूँ फ्रॉम आर खान टू घर और घर टू आर खान। सो उस दिन क्या हुआ कि दो हफ्ते पहले की बात है, रात का टाइम था तकरीबन 8:30 बज रहे थे और ट्रैफिक बहुत जैम था क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है क्योंकि हसन स्क्वायर आपका पूरा ब्लॉक हुआ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो उसकी वजह से जो है आपका जो स्टेडियम रोड वाला एरिया वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सो अब मैंने कहा भाई करीम को बुलाना तो फजूल है कि करीम वाला यार आएगा उसको वैसे ही टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि मैं रिक्शे से पकड़ूँगा मैं घर की तरफ रवाना हो जाऊँ। सो हुआ ये कि 8:30 बजे मुझे मैं रिक्शे के लिए देख रहा था। सो आर खान से जो मेरे घर का फेयर बनता है वो बनता है अराउंड 150 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे रिक्शे वाले ने पूछा किसने का 250 रुपये, किसी ने का 230 रुपये। सो एक मुझे बच्चा मिला, वो रिक्शे वाला नहीं था बेसिकली, वो बच्चा था उसका नाम था उसामा और उसकी एज कितनी थी 16 ईयर्स, 16 साल उसकी उम्र थी, उसका नाम था उसामा। मैंने उससे पूछा था कि तुम मैं मेरे गुस्साने जहाँ जा रहा हूँ चलोगे मेरे साथ? उसने कहा मैं चलूँगा, मैं इतने पैसे लूँगा। उसने कहा 200 रुपये मैं लूँगा। मैंने कहा 200 रुपये ना लो, 180 रुपये ले लो, 400। सो मैं जैसे ही बैठने लगा उससे उससे पूछा सर ये मुझे बताया अबुल उस्मानी रोड कहाँ पर है? मैंने कहा तो मुझे ड्रॉप करोगे, तो मुझे ड्रॉप करके जब समामा की तरफ निकलोगे तो अबुल उस्मानी रोड आ जाएगा। सो बेसिकली उसका पूछने का रीज़न ये था कि मेरा घर वहाँ पर है। सो मैं उसका लास्ट कस्टमर था, वो मुझे छोड़ता और अपने घर की तरफ निकल जाता। खैर मैं बैठ गया, मैं बैठ गया, अब वो रिक्शा ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। सो ट्रैफिक बहुत जैम है, ट्रैफिक बहुत जैम है। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से कट करके कट मार मार के स्टेडियम के सिग्नल तक पहुंची। विद इन 5 मिनट्स जो है, अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो उसको 5 मिनट नहीं लगता, लेकिन वो किसी तरह कभी यहाँ से निकाल रहा है, कभी यहाँ से कट मार रहा है, कभी रिवर्स कर रहा है, कभी आगे निकल रहा है। सो वो करके 5 मिनट में स्टेडियम के सिग्नल तक पहुँच गया। अब सिग्नल बंद था और उसके बिल्कुल साथ जो है हमारे रिक्शे के बिल्कुल साथ एक ऑल्टो खड़ी थी, ब्लैक कलर की ऑल्टो, वो लोग भी वेट करते हैं, सिग्नल खुल रहे आगे। सो सिग्नल खुला, रिक्शा जो है वो आगे निकला। जैसे वो स्टेडियम के गेट के सामने पहुंचा, नेशनल स्टेडियम के, वो कट मारता हुआ आ रहा था रिक्शा, तो ऑल्टो वाले ने क्या किया, वो रिक्शे के बिल्कुल सामने आके उसने ब्रेक मारा। तो रिक्शे के सामने आके उसने ब्रेक मार दिया और ब्रेक जैसे ही मारा उसने शीशे खोला, उसने कहा वो साले तेरे पास लाइसेंस है? उस बच्चे से बोले जो बच्चे रिक्शे चला रहा था, उस बच्चे से बोले वो साले तेरे पास लाइसेंस है? तो बच्चा भी डर गया यार कि 16 साल का बच्चे की क्या उम्र होती है, आपसे भी छोटा होगा वो। तो अब वो जो है वो पूछने लगा कि साहब मेरे जो वाले साहब हैं उनकी जो टांग है वहाँ पर काफ़ी इन्फेक्शन हुआ है, तो इसलिए वो रिक्शा नहीं चला सकते। हम 5 महीने और मेरे वाले साहब और मेरी वालदा हैं, हम मुझे अपने घर को भी चलाना है तो मैं इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ। तो चिल्लाने लगा वो काफ़ी कि लाइसेंस दिखा, क्योंकि शक्ल पूरी के ज़्यादा हो जाता है ना बंदे लड़की की उम्र क्या होगी। सो मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने उस ऑटो वाले को इशारा किया, मैंने कहा कि जाने दो उसको, मैं उसको समझा देता हूँ नेक्स्ट टाइम जो है आराम से चलाया कट नहीं मारे। सो फिर वो समझाने पे ऑटो वाला जो है चला गया और रिक्शे जो उसामा था वो रिक्शे को चला रहा है। आप यकीन मानिए कि उस सिग्नल से लेकर मेरे घर तक रोड पूरा खाली था, उस सिग्नल से लेके मेरे घर तक रोड पूरा खाली था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। वो चाहता तो बहुत हाई स्पीड में भी चला सकता था, बट उसने स्पीड नहीं बढ़ाई और वो उसी स्पीड से चलाता था। जब ऑटो वाले के सामने आया था तो मैंने उसको बोला था थोड़ा हल्के चला, उससे स्पीड नहीं बढ़ा। सो वहाँ पर मेरी एक लर्निंग ये थी कि वो जो मेरा घर था वो मेरी डेस्टिनेशन थी। अब मैं उसको लाइसेंस की बात करूँ, वो जो घर था वो क्या था, मेरी डेस्टिनेशन। वो जो रिक्शे की स्पीड थी वो मेरा पैशन था, और वो जो रिक्शा था वो सोर्स था, और वो जो ऑल्टो वाला आया था ये वो लोग थे जो ये बोलते हैं काम तुम नहीं कर सकते, राइट। सो आपने अपने पैशन जो पैशन की स्पीड से आप जा रहे हैं उसको कम नहीं करना। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि लाइसेंस दिखाओ, ख्वाबों को पूरा करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा, ना ख्वाबों को पूरा करने के लिए दूसरों की ओपिनियन की ज़रूरत होती है, आपकी अपनी ओपिनियन और आपका अपना अप्रूवल काफ़ी है कि आप उस चीज़ तक अगर पहुँचना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप उस चीज़ तक पहुँचना नहीं चाहते तो आप दूसरे लोगों से पूछेंगे भी कि मैं क्या करूँ, उनकी अप्रूवल भी लेंगे कि अगर आप मुझे यस बोलेंगे तो मैं काम करूँगा, अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। लास्ट स्टोरी मैं शेयर करूँगा,
अली बाबा चालीस चोर के अलावा यार alibaba.com do some research on internet यार internet पे facebook use करने के अलावा कुछ और भी काम करे बहुत काम आया right sorry alibaba.com एक वेबसाइट है e-commerce वेबसाइट है जो कि चाइना के थ्रू पूरे दुनिया में जो है वो चीजें क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है बेचती है right so उसके जो ओनर है वो है जैक मा बैक इन 1999 जैक मा जो है वो इंग्लिश के टीचर थे इंग्लिश के टीचर थे वो इंग्लिश पढ़ाते थे बट उनके जहन में एक आइडिया था आइडिया ये था कि चाइना में चीज़ें बहुत सस्ती बनती हैं yes. तो आइडिया ये था कि क्यों कि चीज़ें सस्ती बनती हैं तो चाइना को कनेक्ट कर दिया जाए पूरी दुनिया के साथ चाइना के जितने भी वेंडर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाए पूरी दुनिया के साथ ताकि वो फिर चाइना से ऑनलाइन परचेज कर सकें जब वो आइडिया अपने दोस्त को बताते हैं तो उनके दोस्त जो 12 दोस्त होते हैं 12 से 11 मना कर देते हैं और जो एक दोस्त बचता है वो बोलता है यार जैक मेरा आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है गो फॉर इट उस वक्त जैक को जो है वो सिस्टम यूज़ करना नहीं आता था बैक इन 1999 इंटरनेट को आए गए 8 साल हुए थे इंटरनेट 1991 में आया और 1999 में उनको ये आइडिया आता है और आज जैक मा जो है वो चाइना के अमीर तरीन आदमी है तो जब जैक मा एक इंटरव्यू में जाते हैं एक सेमिनार में जाते हैं वहाँ पर एक बच्चा उनसे पूछता है कि जैक हाउ वी प्लान आवर लाइफ हम किस तरीके से जिंदगी को प्लान करें सो जैक मा वहाँ पर कुछ चीज़ें बताते हैं वो चीज़ सुनने वाले हैं वो उनका थॉट है हो सकता है उस पर एग्री ना करें बट जो बात बताते हैं वो क्या है वो ये बोलते हैं बिटवीन 20-30 ईयर्स ऑफ योर एज बिटवीन 20-30 ईयर्स ऑफ योर एज वी आर गुड स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट बने एंड आइडेंटिफाई योर पैशन अच्छे तालिबे बने और कोशिश करें कि जो आपका पैशन है उसको आइडेंटिफाई करें और एक और काम करें वर्क फॉर स्मॉल कंपनीज कोशिश करें कि छोटी कंपनी के लिए काम करें बड़ी कंपनी के लिए काम ना करें उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जब आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ आपको बहुत सारे काम मिल जाए yes. तो वो आपको हेल्प करे आपके पैशन को आइडेंटिफाई करने में जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आप बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा होते हैं सो वहाँ पर फिर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती काम करने के लिए सो बिटवीन 20-30 ईयर्स ऑफ एज वी आर गुड स्टूडेंट Identify your passion and work for small companies. Between 30-40 years of your age, work on your passion. जो आपने passion identify किया है अपने 20-30 साल की उम्र में वो passion ये भी हो सकता है कि आपने singer बनना है वो passion ये भी हो सकता है कि आपने cricket खेलनी है वो passion ये भी हो सकता है कि आपने trainer बनना है वो passion ये भी हो सकता है आपने teacher बनना है वो passion ये भी हो सकता है कि आपने engineer बनना है वो passion ये भी हो सकता है कि आपने medical student बनना है वो पैशन ये भी हो सकता है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जो भी पैशन आप आइडेंटिफाई करते हैं उस पर काम करें जब आप 10 साल काम करेंगे बिटवीन 30-40 फिर वो ये बात करते हैं कि बिटवीन 41-50 ईयर्स ऑफ योर एज अर्न रिवॉर्ड्स जो आपने अपने पैशन पे काम किया अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया है छोटी कंपनी के लिए काम किया अब टाइम आ गया है कि आप कमाना शुरू करें 41-50 अब आप रिवॉर्ड अर्न करना शुरू करें वो 20 साल की मेहनत का जो आपका असल रिवॉर्ड है वो 40 के बाद जाके मिलेगा और आपने नोट किया होगा कि जो भी जिंदगी में आगे गया उसकी एज लेट 40s में होती है या मिड 30s में होती है राइट बिटवीन 51-60 ईयर्स ऑफ योर एज वर्क फॉर योर सोसाइटी जब आप 51-60 साल के हो जाए फिर आपने काम क्या करना है अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है उस वक्त कोशिश करें कि अपनी यूथ को अपने साथ मिलाएं ताकि उस वक्त आपके पास जो एनर्जी नहीं होगी वो आपकी यूथ के पास होती है एंड आफ्टर 60 एंजॉय आफ्टर 60 एंजॉय सो ये उनका एक पैटर्न था दोनों ने बताया सो अब आपके ऊपर है आप क्या अपनी लाइफ की सही से सेट करते हैं सो थैंक यू सो मच यहाँ पर हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं।